दोस्तों ये 2:50 हो गए और मैं 2 से 3 मिनट के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए, इसने सुबह से इन लोगों को न्यूज़ पता थी आरबीआई की, भैया अपने को तो ध्यान भी नहीं, और इन लोगों ने सुबह से गिराना चालू कर दिया और फिर न्यूज़ दिखाई हम लोगों को 2 बजे हमारे सामने आई। तो एज़ पर साइकोलॉजी यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि अब सब एक लेवल टूट गया है 16800, ठीक है, लेवल टूट गया है 16800। और इन्होंने क्या किया, या तो भाई मार्केट तेज़ रखते 17,100-200 इसके आसपास रखते, फिर ये न्यूज़ आती, फिर ये गिरता तो मतलब समझ में आता। इन लोगों ने सुबह से गिराना चालू किया और हम लोगों ने न्यूज़ सुनी 2 बजे। हम लोगों को इम्पैक्ट न्यूज़ का कितने बजे के बाद दिखा, 2 बजे के बाद दिखा, और इन्होंने उसके बाद और थोड़ा सा गिरा दिया है और हमें लग रहा है कि ये बहुत ख़राब है, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि मार्केट 500 पॉइंट गिर गया है, हमें ऐसा लग रहा है बहुत ख़राब है, ठीक है। तो लेवल तो टूटा है 16800, ठीक है, पर मैं ये कहूँगा शॉर्ट कैरी मत करके जाना, ये सबके लिए है, वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये शॉर्ट कैरी ना करके जाएं, भले ही लेवल टूट रहा हो नीचे की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी है बुक करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसने अभी क्या किया है, साइकोलॉजी के साथ प्ले किया है। गेम देखो लेवल पे ही होगा, मुझे साइकोलॉजी का गेम लग रहा है, इसने सबको बिठा दिया है। या तो ये सुबह मार्केट को खींच के रखता, 2 बजे के करीब न्यूज़ आती, तो ये न्यूज़ देखो इनको पता थी, ऑपरेटर को ये न्यूज़ पहले से पता थी, उसने सुबह से ही सेलिंग चालू रखी थी और आज प्रेशर ऐसा दिख रहा था कि भैया सच में कोई भयंकर माल छोड़ रहा है, ठीक है, ऐसा प्रेशर दिख रहा था। बट अब इनको क्या है कि मुर्गे अगर इनको मिल गए होंगे मंदी की तरफ 16800 के नीचे, ठीक है, तो कल को ये मार्केट खींच भी सकते हैं, कल को ये मार्केट खींच भी सकते हैं, बहुत पॉसिबल है ऐसा, बहुत पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के ही प्ले करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी 16800 के नीचे जो भी शॉर्ट शूट में बैठा है, जो मुझे फॉलो करता है, वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक बार, कल दोबारा सेल की गाड़ी में बैठ जाना, ठीक है, अगर गिरता ही है, क्योंकि टारगेट लंबे हैं, फिर कल अगर फॉलो अप कैंडल बनती है इसके नीचे फिर टारगेट लंबे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आज कैरी मत करके जाइए, मेरा ये कहना है, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।